Hey guys, welcome. Since this is my first YouTube vlog, so ek chhota sa introduction banta hai. My name is Tanish and I'm a software engineer by profession and currently I'm staying in Bangalore. So इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ शरावती एडवेंचर कैंप के बारे में जो हम लोग विजिट किए थे और क्या क्या एडवेंचर एक्टिविटीज़ के ट्राई किए थे, कब हम लोग गए थे, कहाँ से बुकिंग किए थे. तो इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में फुल डिटेल बताने वाली हूँ. वीडियो के एंड तक बने रहिएगा एंड आई होप ऑल ऑफ यू विल लाइक द वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी. तो हमने बुक किया था जंगल रिजॉर्ट से. सो यू कैन ऑल्सो सर्च द जंगल रिजॉर्ट इन द वेबसाइट. एंड सो जंगल रिजॉर्ट इज़ एक्चुअली मेंटेन बाई कर्नाटका टूरिज्म. So here they have divided into different theme wise, like what kind of adventure activity that you are planning, like is it a beach resort or adventure camp, nature camp or river lodge. तो आज हमारा प्लान था शरावती एडवेंचर कैंप. तो हमने यहीं से बुक किया था. आप उनका सारा पैकेज इनके वेबसाइट पर चेक कर सकते हो. उनके क्या क्या एमिनिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं और क्या क्या एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड होता है, किस किस टाइम पे क्या क्या वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी अवेलेबल होता है. बेसिकली आपको सारा डिटेल्स इनकी पर्टिकुलर वेबसाइट पर मिल जाएगा. आप यहां से चेक कर सकते हैं. हमने भी यहीं से बुक किया था. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वेबसाइट. सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी. तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट किए थे बैंगलोर से अराउंड लाइक अर्ली इन द मॉर्निंग अराउंड 5 o'clock, बिकॉज हमारा प्लान था जल्दी पहुंचना, बिकॉज डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था और जितना लेट से आप बैंगलोर से प्लान करोगे उतना ही टाइम लगता है कहीं भी पहुंचने में, क्योंकि ट्रैफिक फिर उसके बाद बढ़ते ही जाता है. तो सबसे पहला जो हमें स्पॉट मिला था ये सनफ्लावर का स्पॉट मिला था. बहुत ही सुंदर लग रहा था दूर से, मतलब हमने गाड़ी थोड़ी देर रुकवाई, उसके बाद फिर हमने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह लिए. तो कैब एक्चुअली हमने बैंगलोर से बुक किया था, हमारा 2 से 3 दिन का ट्रिप था. तो हमने मतलब यहीं से कैब बुक करके गए थे. उसके बाद हम वहाँ से करीब जंगल लॉज पहुँचे थे. दिस इज़ आर रूम. सो यू कैन सी दिस इज़ आर मैंने पूरा वीडियो नहीं ले पाई थी. ये हर एक रूम के बाद बहुत ही मतलब काफ़ी अच्छा बालकनी है और ये आप देख सकते हैं व्यू जो सामने आपको रिजर्वॉयर दिख रहा है. दिस इज़ एक्चुअली यहाँ पे इसी एरिया में ही ये रिजॉर्ट है और आपको कोई दूसरा रिजॉर्ट यहाँ पे नहीं मिलेगा. तो ये मेन रोड से करीब 2 या 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, बट रोड का कंडीशन थोड़ा ज़्यादा ख़राब है तो इसीलिए वहाँ से मतलब 2 से 3 किलोमीटर आने में थोड़ा टाइम लग जाता है. और ये जॉग फॉल से करीब 6 to 7 किलोमीटर पे होगा, ज़्यादा दूर नहीं है जॉग फॉल से. तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये एक्चुअली ये सारे जो आपको पानी में जो दिख रहा है वो सारा इन लोगों ने ही बनाया है, मतलब एज ए सेफ्टी वाइज. तो वहाँ पे आपको एक गाइड होता है जो आपको हेल्प करेगा, मतलब कि कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस में ही आप स्विम कर सकते हैं. यहाँ पे कुछ कुछ वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी मिलता है. लाइक हमने ट्राई किया था ये जेट स्की का. तो जेट स्की का प्राइस आपके पैकेज में इंक्लूड नहीं होता है, दिस इज़ लाइक डिफरेंट. सो आई थिंक दैट टाइम वी पेड अराउंड 600 to 700 लाइक दैट वी पेड फॉर पर पर्सन. तो बहुत ही अच्छा था. लाइक आपके साथ वो एक पर्सन होगा, आई मीन बेसिकली ही इज़ द ट्रेनर. तो बेसिकली आपको होल्ड करना है और अच्छे से ग्रिप बना के बैठना है, सारा वो मूवमेंट वगैरह वो सब कुछ वही करेगा. मतलब शुरू का टाइम तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन उसके बाद एक पॉइंट आता है जहाँ पे वो इतना घुमाता है, मतलब इतना स्पीड में, मतलब हम लोग मैं भी डर गई थी कि पता नहीं मुझसे होगा, क्योंकि पहले तो प्रतीक ने स्टार्ट किया था, उसके बाद फिर मैंने किया था उसको देख के. उसके बाद हमने सबसे बेस्ट जो हमें लगता है ये कायाकिंग का. तो इसमें तो हम लोग बहुत ही दूर चले गए थे, मतलब वीडियो तो नहीं बना पाए, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा था इसमें. और एक चीज़ प्रॉब्लम इसमें बस यही है कि यहाँ पे जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी है वो थोड़ा टाइम लिमिटेड होता है, लाइक 6 o'clock से पहले हमें फिनिश करना होता है. तो ये देख रहे हैं कि हम लोग फिनिश करके और वापस आ रहे थे, और ये मैंने छाता क्यों पकड़ रखा था बिकॉज वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मतलब गर्मी थी. और आप ये जो बैकग्राउंड में जो प्लेस देख रहे हैं यहाँ, ये एक्चुअली लेक के बगल में और यहीं पे बॉनफायर होता है अराउंड 7 o'clock इन द इवनिंग. सो वंस यू आर डन विद योर स्पोर्ट्स वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़, तो यहाँ पे इवनिंग में ये वेज नॉन वेज काइंड ऑफ स्नैक्स सर्व करते हैं, लाइक चिकन चिली और भज्जी और कॉफ़ी और ड्रिंक्स. तो ये सारा कुछ अवेलेबल होता है. तो और इवनिंग में लाइक एज ए 1 डॉक्यूमेंट्री मूवी भी ये लोग दिखाते हैं. तो
अच्छा व्यू होता है लेक लेक बगल में, और आप यहाँ पे इवनिंग व्यू एंजॉय कर सकते हैं। तो ये काफ़ी ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस था। आफ्टर दैट लाइक अराउंड 8 o'clock, आफ्टर 8 o'clock, 8:30 द डिनर विल बी रेडी। तो ये सारा प्लान होता है और ये सारे एक्टिविटीज़ में इंक्लूडेड होता है। उसके बाद हमने डिनर वगैरह किया। फिर नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट मॉर्निंग वेकअप कॉल होता है अराउंड 6 o'clock, क्योंकि फिर ये हम मतलब रिजॉर्ट वाले ही हमें लेके जाएंगे, आपको लेके जाते हैं जॉग फॉल्स। तो जिस टाइम हम लोग गए थे उस टाइम पानी बहुत कम था फॉल्स में, तो इसीलिए उनका एक ट्रैकिंग प्लेस होता है, ट्रैक प्लेस होता है, जहाँ से आपको ये उस पॉइंट तक ले जाएंगे जहाँ मतलब टॉप जो लेवल है जहाँ से वाटर फ्लो होता है। मतलब जनरली हम लोग वाटरफॉल कुछ डिस्टेंस से देखते हैं, बट हम लोग उस पॉइंट पर पहुँच गए थे जहाँ से एक्चुअली वाटर फ्लो हो रहा था। तो छोटा सा ट्रैक था, थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट में। वहाँ से हम लोग जाके फिर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आए थे। यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी हाइट, मतलब काफ़ी ज़्यादा डरावना भी था, लेकिन आपको बहुत ही केयरफुली रहना है। और यहाँ से मतलब आप खड़े होकर देख नहीं सकते, मतलब अगर आपको हाइट से प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली आपके लिए बहुत ही मुश्किल होगा। हम लोग भी नहीं देख पा रहे थे, मतलब अगर हमें कुछ नीचे देखना था तो हम पूरा ये जो आपको रॉक दिख रहा है यहाँ पर हम लेट गए थे, और उसके बाद हम देख रहे थे। बहुत ही ज़्यादा डर भी लग रहा था बट अच्छा भी लग रहा था। तो या दिस इज़ ऑल अबाउट दिस जर्नी। तो नेक्स्ट स्टॉप हमारा एक और प्लेस था, तो उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। टिल देन आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो मिलते हैं अगले वीडियो में अबाउट द नेक्स्ट जर्नी, लाइक हमने दूसरा दिन कहाँ पे गए थे उसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊँगी। आप सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।